हमें इंडियन एजेंट कहा जा रहा है या इंडिया के नाम पर गद्दार पाकिस्तान का कहा जा रहा है, बनाया जा रहा है। हमारे यूट्यूबर रियल एंटरटेनमेंट टीवी सुहेब चौधरी को अरेस्ट कर लिया गया है और उन पर अटैक किया गया था। भारत आपका पीछा नहीं छोड़ रहा है यार। पाकिस्तान में बात होती है फ्रीडम ऑफ स्पीच की, आप अंदाजा लगाओ कि यार हर कोई यहाँ पर बंदा निकल के जज बन जाता है। और शुएब चौधरी, एक शुएब चौधरी अंदर होगा, एक शुएब चौधरी पकड़ा जाएगा, हजारों शुएब चौधरी पैदा होंगे। जब सेना करवा रही है तो सेना की आंखों में आंखें डाल के बात करो। लोकल लड़ाइयों से लेके और इंटरनेशनल लड़ाइयों तक भारत ने आपका जीना हराम कर रखा है। IMF ने पाकिस्तान को $70 करोड़ की किस्त जारी करने की मंजूरी दे दी है। सेना का नाम लेके मेंशन करके बात करो कि दहशतगर्द हमारी आर्मी है, दहशतगर्द जो है वो हमारी ISI है। अब देखिए मेनस्ट्रीम मीडिया भी भारत के नाम पर आकर लड़ने आ गई यूट्यूबर से। किसी में हिम्मत आया कि मियां मिट्टू के इलाके में जाए? शुएब चौधरी जिसे इनकी वजह से हम खो बैठेंगे, मुझे ऐसा लगता है, मुझे डर लगता है कि अगर हम गद्दार हैं तो फिर गद्दार तो वो भी है ना जो ऑफिशियल लेवल पे हिंदुस्तान की तारीफ करते हैं, कहते हैं इंडिया चांद पे चला गया, हमारी गलती, हम नहीं गए। मेरी जिंदगी का मकसद है, मैं यहाँ पे अमेरिका में IMF के ऊपर केस करना चाहूंगा एज एन अमेरिकन, कि आपको पता था कि ये करप्ट कॉम है और आप मेरा एज एन अमेरिकन मेरा खून पसीना इनको देते रहे। या उन डाकुओं के इलाके में जाए कि जो उन लड़कियों को उठाते हैं, उनके साथ रेप करते हैं हिंदू लड़कियों को, उसके ऊपर कोई वीडियो बनाए, मैं जाऊंगा वहां पे। तो इसका मतलब है कि मंजूरी तो दे दी है, पैसा अभी नहीं मिला लेकिन मिल जाएगा। बड़े हिंदुस्तान के तुम लोग लाडले हो, प्यारा है हिंदुस्तान तुम लोगों को, पड़ोसी देश अफगानिस्तान प्यारा है, तो फिर ISI के ऊपर वीडियो बनाओ, बड़े हरामी तो वही हैं। भारत की पाकिस्तान के खिलाफ एक और हरकत नाकाम। IMF ने पाकिस्तान के खिलाफ भारत की शिकायत मुस्तरद कर दी। भारत ने पाकिस्तान को जारी होने वाली तीसरी किस्त रोकने की कोशिश की थी। आज से एक दो दिन पहले हमारे यूट्यूबर रियल एंटरटेनमेंट टीवी सुहेब चौधरी को अरेस्ट कर लिया गया है और उन पर अटैक किया गया था। माइक उनके आगे करके, कैमरा ऑन करके उनसे बहुत से सवालात पूछे गए थे कि आप इंडिया की तारीफ क्यों करते हो, आप इंडिया वर्सेस पाकिस्तान के योंड्रा पर, इंडिया वर्सेस पाकिस्तान के एजेंडा पर काम क्यों करते हो। और यकीनन सुहेब चौधरी ने बहुत अच्छे तरीके से इस पूरी सिचुएशन को डील किया, उन्होंने अपने पॉइंट्स बहुत अच्छे तरीके से सामने रखे और डट कर इस चीज़ का मुकाबला किया कि हम हक सच पर बात कर रहे हैं। अब पाकिस्तान में इंडिया वर्सेस पाकिस्तान करने वाले यूट्यूबर्स के लिए रास्ते तंग किए जा रहे हैं, उनके खिलाफ एक्शंस लिए जा रहे हैं, उन पर आकर तरह तरह के इल्जामात लगाए जा रहे हैं। अब अली हमजा जो भी है नाम इनका, इनको एक्सपोज भी किया, कई चीजें नहीं पता है, बलूचिस्तान पर गड़बड़, कश्मीर पर गड़बड़। जाहिर सी बात है कि स्टेट स्पॉन्सर्ड चीज है ना, जब आप स्टेट की लाइन लेके बोलोगे तो आप सही बात नहीं बोलोगे, आप वही तस्वीर दिखाओगे। मतलब आप सोचिए कि मलिहा लोधी जो थी, UN में रिप्रेजेंटेटिव थी पाकिस्तान की, तो उन्होंने फिलिस्तीनी लड़की की तस्वीर दिखा दी, बोली कि ये कश्मीरी है। अब अगर उनकी पोल उस वक्त नहीं खुलती तो ये लोग तो वही भाषा बोलते ना कि हाँ वो लड़की तो कश्मीरी है, ये अली हमजा टाइप, ये लोग वही भाषा बोलते हैं, हाँ लड़की कश्मीरी है। लेकिन चूंकि UN के, आप सोचिए UN पर प्रोपेगेंडा करते हैं वो लोग, तो ये लोग तो लोकल लेवल पर पाकिस्तान में रहकर प्रोपेगेंडा किस हद तक करेंगे, आप सोच सकते हैं ना इसके बारे में। जब UN के लेवल पर इस तरह का प्रोपेगेंडा हो सकता है कश्मीर को लेकर, तो आप सोचिए। और बलूचिस्तान पर भाई तो मानने को तैयार नहीं है कि कुछ गड़बड़ हो रही है, जबकि लोग कह रहे हैं, पब्लिक कह रही है, तब भी मानने को तैयार नहीं, वहां से मुंह छुपा के भागने लगता है। तो देखिए कुल जमा मुझे लग रहा है कि ये बहुत सारी बातें सामने नहीं आई हैं इसमें, और मुझे लग रहा है कि ये गिरफ्तारी और मिसिंग पर ये स्टैंड क्लियर करना चाहिए, क्योंकि ये अंधेरे में रखना ठीक नहीं है। अगर गिरफ्तारी हुई है तो भाई उसका FIR कटा होगा, पर्ची कटी होगी, वो संबंधित पार्टी को बताया गया होगा भाई आपका बंदा गिरफ्तार किया गया है, तो वो होगा तो वो दिखाना चाहिए। या अगर गायब है, बंदा नहीं मिल रहा है, बिना FIR के, बिना किसी चीज का गायब कर दिया गया है, तो वो बात भी सामने रखनी चाहिए, प्रोटेस्ट करनी चाहिए सामने, सोएब की फैमिली को सामने आना चाहिए, उनको बोलना चाहिए भाई हमारा बंदा गायब है, लड़का गायब है। फर्स्ट ऑफ ऑल तो ये देखें ना कि भाई हम अगर इंडियन एजेंट हैं या हमें कहा जाता है हम मुल्क के गद्दार हैं, वो बेवतनी नहीं है, तो फिर मुझे लगता है कि फर्स्ट ऑफ ऑल तो हमें उन इन अली हमजा जैसे यूट्यूबर को या एज अ सो कॉल्ड जर्नलिस्ट को सबसे पहले तो हमारे ऑफिशियल्स के पास जाना चाहिए ना, जो ऑफिशियल लेवल पे बैठ के कह रहे हैं कि इंडिया सच में आगे चला गया है, वो चांद पे है तो हम अपनी चीजों से नहीं निकल पा रहे, इस पे कसूर हमारा, तो भाई वो इंडिया को वो खुद प्रेस कर रहे हैं। नवाज शरीफ साहब की भी यही स्टेटमेंट आई थी कि हमें इंडिया से सीखना चाहिए, हमारे अपने मिनिस्टर्स जो कभी ट्रोल किया करते थे इंडिया को, आज वो बैठ के कह रहे हैं कि वो चांद पे चले गए हैं, हमें अप्रिशिएट करना चाहिए, हमें कुछ सीखना चाहिए। तो क्या अली हमजा, मेरा आपसे क्वेश्चन है कि आप उनसे भी जाकर ये सवाल कर सकते हो, क्या आप उनके ऊपर वीडियो बना सकते हो?
पर एक चीज है कि जब पीएम मोदी आए थे पाकिस्तान में नवाज शरीफ दौर में, तो अली हमजा कहाँ था भाई? जाके पूछते ना क्यों आए हो तुम? आपने सुना नहीं, अली हमजा डिप्रेशन में था उस वक्त। अच्छा, यहाँ पर मैं अपनी एक चीज ऐड करना चाहूंगा कि यार बहुत ही काबिल, जिसे कहा जाए ना कि काबिल एक इंसान होता है, शुएब उससे भी 4-5 गुना आगे का बंदा है। लेकिन जो जिस कंटेंट पे हम काम कर रहे हैं, उसने आकर इस कंटेंट की एक जो नींव थी, जिसे बुनियाद कहते हैं, उसे ही चेंज कर दिया। ऐसा ही है, लोगों के बीच में गया, लोगों के बीच में हम भी जाते हैं, लो सारे जितने भी ये कंटेंट शुरू करते सब जाते हैं। लेकिन डिफरेंस ये था कि उसने चीजों को देखा ना, किस तरह से पेश किया लोगों को, अपना जो प्रेजेंट करने का तरीका था बिल्कुल डिफरेंट था। कम टाइम के अंदर बहुत ज्यादा सक्सेस हासिल की, और यही सक्सेस की यही वजह है कि जब आपने देखा कि ये अली हमजा जो था, ये पहले रिबाह इमरान के पास गया, उसकी जिंदगी उसने खराब करने के बाद कुछ टाइम के बाद फेम इसको सस्ती शोहरत मिली, आधे घंटे की, डेढ़ घंटे की, एक दिन की, इसको वो सस्ती शोहरत अपनी जाते हुए नजर आई डे बाय डे। जब इसने कहा कि भाई हाँ अभी कुछ करना चाहिए मुझे, फिर इसने देखा कि भाई हमारे पीछे आया, उससे पहले उन्होंने ट्राई की सना अमजद से भी की, लेकिन उनकी कोई वीडियो अभी तक तो नहीं हमने देखी, शायद आई नहीं। एक चैनल नियो वालों के पास जब इसका फेम पुराना हो गया, तो नया फेम तलाश करने के लिए बेचारा लाहौर रंग पे चला गया। हाँ, फिर लाहौर रंग वालों को अपना कर्तव्य दिखाने के लिए एक नया टारगेट ढूंढा, लेकिन प्रॉब्लम ये है कि हर कोई रिबाह इमरान नहीं होता था, पहले नियो पे था, नियो में इस पे सिर्फ और सिर्फ रिबाह की जो इसने की वीडियो बनाई थी वो गई थी फेसबुक के अंदर 19 मिलियन पे। अब देखो उसको इतना फेम मिला वहां से, उसको 20 लाख मेरे ख्याल से 20 लाख का चेक भी मिला था उससे। तो कहने का मतलब सारा ये है, हमारे लोगों की ना मेंटेलिटी कुछ इस तरह की है कि हम लोग नहीं चाहते कि पीस हो। हमने मेरी जितने भी हमारे मतलब इंडिया पाकिस्तान कंटेंट पे काम करने वाले हैं, उनकी कोई वीडियो उठा लें कि हम ट्रेड पे बात करते हैं, हम डेवलपमेंट पे बात करते हैं, हम एजुकेशन पे बात करते हैं, हम कहते हैं जो दुबई के रस्ते से हमारे यहाँ सामान आता है वो हमारे बॉर्डर से आए, हमें रिलीफ मिले, पाकिस्तान को रिलीफ मिले, पाकिस्तान की इकोनॉमी पूछो, हम क्या गलत कहते हैं? हम गद्दार हैं। सबसे बड़ी बात ये गद्दारी से याद आया, गद्दारी का जो टैग लगाया इसने, अली हमजा कौन होता है किसी को डिफाइन करने वाला विदाउट एनी लीगल थिंग? के आप बताओगे कि कौन जो है किस मार्केट में दहशतगर्द बन के घुसा है, और कौन जो इंडिया का एजेंट है? और शुएब चौधरी, एक शुएब चौधरी अंदर होगा, एक शुएब चौधरी पकड़ा जाएगा, हजारों शुएब चौधरी पैदा होंगे, किस किस को पकड़ोगे? और शुएब चौधरी का कसूर क्या है? उसका कसूर ये है, वो इंडिया पाकिस्तान की रिलेशनशिप अच्छी करना चाहता है, वो चाहता है कि इंडिया पाकिस्तान की तजारत हो, हमारा पाकिस्तान ऊपर आ जाए, हमारा पाकिस्तान तरक्की करे, हमारे पाकिस्तान पे दुनिया पे भरोसा किया जाए, तो वो ये चाहता है, और ये लोग वो नहीं चाहते। और मैं आपको एक और चीज बताता चलूं दोस्तों, शुएब चौधरी जिसे इनकी वजह से हम खो बैठेंगे, मुझे ऐसा लगता है, मुझे डर लगता है कि शुएब चौधरी को हम खो बैठेंगे। आपको अंदाजा नहीं है उसका दिमाग कितना जीनियस इंसान है, कितना पढ़ा लिखा इंसान है, काश कभी आपने उसे मेनस्ट्रीम मीडिया पे मौका दिया होता तो आपको पता चलता कि वो पाकिस्तान के लिए क्या करना चाहता है। वो पाकिस्तान का मुहब्बे वतन है, पाकिस्तान का बेहतरीन शहरी है, जो पाकिस्तान को टैक्स भी देता है, पाकिस्तान से प्यार भी करता है, पाकिस्तान के गरीब लोगों को राशन भी देता है।